हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की क्लास में गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद गुडविल के एक और एग्जांपल की। तो जिस तरह से आपने लास्ट क्लास में देखा, मैंने आपको पहले गुडविल का कॉन्सेप्ट और फिर उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह समझा दिया था। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं वो वीडियो जा करके देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट और इसके बाद वाले जो एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाला हूँ वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22 फ्रॉम डी के गोयल, पेज नंबर 4.20। एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑलमोस्ट बोर्ड पे, जिन लोगों के पास बुक है वो वीडियो को स्टॉप करके एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 22। क्वेश्चन बोलता है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे थे 2:1 के रेशो में। अब हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो यहाँ जेड एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट कर रहा है 1/ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। यानी जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, तो पुराने वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ये हम लोग पहले भी इस चैप्टर में समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे बोलता है विच ही एक्वायर्स, यानी नया पार्टनर की बात कर रहा है, इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, विच ही का मतलब क्या है यहाँ पे, जेड। यानी विच जेड एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो ये मैंने आपको समझाया था कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराने वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस किस तरह से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या बोलता है, विच जेड एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। यानी यह जेड अपनी दादागिरी लगा रहा है कि मैं अगर कंपनी में पार्टनर बनूंगा तो मुझे जो अपना प्रॉफिट चाहिए वो दोनों पार्टनर से क्या चाहिए, इक्वली चाहिए। यानी जेड अपनी दादागिरी चलाते हुए दोनों से इक्वल सेक्रीफाइस करने को बोल रहा है कि मुझे मेरा प्रॉफिट दोनों से बराबर चाहिए। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेक्रीफाइस रेशो गिवन है। क्या रेशो है यहाँ पे, सेक्रीफाइस रेशो इक्वली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्स और वाई से इक्वली सेक्रीफाइस करने को बोल रहा है अपनी दादागिरी के चलते हुए। तो ये हम लोग अच्छी तरह पहले भी समझ चुके हैं इस रेशो को निकालना। आगे क्वेश्चन में गिवन है, जेड ब्रिंग्स 1,65,000 रुपीज एज कैपिटल एंड 30,000 रुपीज एज गुडविल इन कैश। तो ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट लास्ट वाली वीडियो में समझाया था कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल और एक अमाउंट ऑफ गुडविल जरूर से लेकर के आता है। आगे क्वेश्चन बोलता है पास एंट्रीज एंड कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो हमें पहले जनरल एंट्री पास करनी है और फिर न्यू रेशो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो एक तो हमारे पास नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है बताओ, 1,65,000 रुपीज का कैपिटल। ये एंट्री हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई बेसिकली बिजनेस में पार्टनर क्या करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो क्या एंट्री बनाते हैं हम लोग, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और हमें कैपिटल लाने वाला कौन है, जेड। तो कैपिटल के आगे लिख देता हूँ मैं जेड्स कैपिटल। यानी ये कैपिटल क्या डिनोट कर रहा है कि ये पैसा कौन लेकर आ रहा है, जेड लेकर के आ रहा है। कितना अमाउंट ला रहा है बताओ, 1,65,000 रुपीज तो कैपिटल ला रहा है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि नया पार्टनर अगर कैपिटल लाता है तो गुडविल भी उसको लानी पड़ेगी, अगर गुडविल नहीं लाता तो उसके अकाउंट से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि गुडविल का अमाउंट 30,000 रुपीज वो कैश में लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब उसको कैपिटल के अलावा 30,000 रुपीज का क्या लाना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट भी कैश में लाना पड़ेगा। तो इन दोनों का टोटल मैं यहाँ लिख लूंगा कैश में, और जो अमाउंट ला रहा है वो कितना ला रहा है बताओ, 30,000 रुपीज ला रहा है। किसके बदले ला रहा है, ये गुडविल के बदले ला रहा है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि गुडविल के आगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लिखते हैं, ये आप लास्ट क्लास में जा करके लास्ट वाली वीडियो में देख लोगे। तो क्या लिखोगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये पहली एंट्री हम लोगों ने पास कर ली। पहली एंट्री किस किस की पास की हम लोगों ने, अमाउंट ऑफ कैपिटल और अमाउंट ऑफ गुडविल लाने की। अब मैंने आपको एक लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी कि बाय वन गेट वन फ्री, कैपिटल को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना क्योंकि कैपिटल तो किसका है, जेड का है। लेकिन ये जो गुडविल है बेसिकली, ये गुडविल नया पार्टनर पुराने वाले पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन कर रहा है। तो जैसे आपने गुडविल की एंट्री बनाई तो इस गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो या गिवन नहीं हो। तो जैसे ही गुडविल का अमाउंट मेरे पास क्रेडिट में आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने क्या कर दिया बताओ, डेबिट कर दिया। तो क्या लिखूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज,
और इसको मैं क्या करूंगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हीं में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। किस रेशो में डिवाइड करना सिखाया था मैंने, सेक्रीफाइस रेशो में। तो बताओ सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक्स और वाई दोनों ही क्या करेंगे, इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे। यानी जो गुडविल का अमाउंट है वो सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वली गिवन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट को सेक्रीफाइस रेशो के अंदर एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में करना है बताओ, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो मैंने 30,000 rupees को सेक्रीफाइस रेशो के अंदर दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री बनाने को बोला था तो हम लोगों ने दो एंट्री पास कर दी। अब मैंने आपको एक केस और समझाया था कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो कि अमाउंट ऑफ कैपिटल दोनों पार्टनर विदड्रॉ करना चाहते हैं, तभी आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री बनानी है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं बनानी है। तो क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस कैपिटल के अंदर आकर के इस अमाउंट को क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो पहला काम तो हो गया, हम लोगों ने एंट्री बना ली। अब बोल रहा है कैलकुलेट करना है न्यू रेशो। तो मैंने आपको सिखाया था कि न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशो पे क्या करना है, फोकस करना है। और क्वेश्चन में दादागिरी किसकी चल रही है बताओ, दादागिरी चल रही है जेड की। जेड क्या बोल रहा है कि मुझे जो अपना शेयर चाहिए दोनों से इक्वली चाहिए। ये केसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा पहले, किस किस का बताओ, एक्स का और वाई का, क्योंकि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और दोनों कैसे कर रहे हैं, इक्वली। तो कौन सा पार्ट निकालोगे, 1/4 का। तो 1/4 जो बेसिकली कौन लेने वाला है, जेड। तो वो दोनों के सामने लिख देंगे, और किससे सेक्रीफाइस करा रहे पार्ट, दोनों पार्टनर से कैसे करवा रहा है, इक्वली। तो 1/2 और 1/2, तीन पार्टनर होते तो 1/3 1/3, 4 होते तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ अच्छी तरह से, जिनको अभी इसमें डाउट है, मैंने अमाउंट से निकाल के भी आपको ये अलग से समझाया इसके सारे केसेस। तो जिन लोगों ने वो केसेस देखे हैं उनको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या निकाल लिया बताओ, 1/8 तो आ गया इसका और 1/8 आ गया इसका। ये क्या निकाला मैंने, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था SON का, सेक्रीफाइस रेशो था, रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर चुके, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, इसको इधर ले आओ। तो क्या हो गया, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यू रेशो निकालना है पहले मुझे एक्स के लिए, न्यू रेशो निकालना है मुझे वाई के लिए, और जेड का न्यू रेशो 1/4 क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले लिख लेता हूँ मैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या नजर आ रहा है बताओ, दोनों का 2/3 तो है एक्स का, 1/3 किसका है, y का। माइनस का साइन लगाता हूँ, सेक्रीफाइस रेशो हम लोगों ने निकाल लिया 1/8 और 1/8, एलसीएम ले लेता हूँ, 24 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 16, माइनस 3 1 3 कितना हो गया, 16 में से 3 लेस किया तो 13/24। ऐसे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 8 1 8 माइनस 3 1 3 कितना हो गया, 5/24। इस तरह से हम लोगों ने न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर लिया। तो लिख लेते हैं हम न्यू रेशो, हम लोग एक्स वाई और जेड तीनों का। एक्स का कितना निकाला बताओ न्यू रेशो, 13/24। वाई का कितना निकाला, 5/24। और जेड का क्वेश्चन में गिवन था 1/4, लेकिन इसका डिनोमिनेशन सेम है क्या, नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं, ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ कि नीचे 24 बन जाए। तो बताओ 4 के टेबल में 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो 6 से मैंने डिवाइड किया और 6 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो न्यू रेशो क्या आ गया हमारा बताओ, 13:5:2 और 6:1 कितना हो गया, 6। तो नया रेशो हो गया 13:5:6, जिसका टोटल कितना हो गया अपने आप, 24। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर लिया। तो आपने अगर लास्ट वाले वीडियो अच्छी तरह देखे हैं, जो मैंने आपको रेशो निकालना सिखाया, अमाउंट से कैसे निकालते हैं, और गुडविल का कॉन्सेप्ट अगर इस एंट्री से आप लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है, तो आपको ये एग्जांपल एकदम अच्छी तरह समझ में बिल्कुल 100% आ जाएगा। तो पहले अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, वो लास्ट वाले गुडविल का कॉन्सेप्ट और ये रेशो का वीडियो देखेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे एक नए एग्जाम्पल के साथ हमारी अगली क्लास में।